उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के सरकारी महिला चिकित्सालय में आशाओं की दादागिरी देखने को मिल रही है। रात को एक डिलीवरी के लिए महिला को जब फिरोजाबाद की महिला चिकित्सालय ले जाया गया तो जबरन उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में आशा ले जाने लगी। वहीं आशा का कहना है कि ये डॉक्टर महिला को हॉस्पिटल के अंदर नहीं ले रही थी। वहीं डॉक्टर का कहना है कि कोई महिला डिलीवरी के लिए आई ही नहीं। पत्रकारों से बहस करती है महिला, एक आशा है जो कि जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के लिए काम करती है, लेकिन कुछ महिलाओं ने तो अपने इस काम को प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीजों को ले जाकर चंद पैसे कमाने का जरिया बना लिया है। कल देर रात जब यूपी 24 न्यूज के रिपोर्टर ने एक आशा से बात की तो वह क्यों उस महिला को प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने के लिए जिद कर रही थी, तो उसका कहना था कि सरकारी महिला चिकित्सालय में महिला डॉक्टर ने इस महिला की डिलीवरी करने के लिए मना कर दिया है, यहाँ तक कि हॉस्पिटल के अंदर ले जाने के लिए भी मना कर दिया। जब इस बारे में रिपोर्टर ने हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर से बात की तो उनका कहना था कि यह सरासर झूठ है, कोई भी महिला डिलीवरी के लिए नहीं आई। फिरोजाबाद से साहिल खान की यह रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? भावना। ये आप क्या काम करती हैं? मैं तो आशा हूँ। आशा कहाँ से हो? दो केली गांव से। कौन सी डॉक्टर? दो केली गांव से भैया। अच्छा, दो केली गांव से। तो यहाँ पेशेंट लेके आती हो आप? हाँ, मेरे मरीज, मेरा पूरा सर्वे करती हूँ, अपने मरीज की दिखावट जाँच वगैरह सभी करती हूँ। अच्छा, लेकिन जो ड्रोन रात में पागल हूँ, दो बजे लेके आई मरीज को। तो भाई क्या हुआ पेशेंट को? यहाँ लेने वहाँ पे ले नहीं रही, बच्चा झगड़ा बताया है, ऑपरेशन बताया, आगरा को रेफर करेंगे। मरीज आगरा नहीं जाना चाहे तो मैं जबरदस्ती तो ले नहीं जाऊंगी आगरा। हालांकि सीरियस है मरीज की? सीरियस बताइए। तो मतलब ऐसा ऑपरेशन है जो यहाँ हो नहीं सकता? आगरा ही करती है, यहाँ करती नहीं है, यहाँ तो केवल नॉर्मल करती है डिलीवरी, बस यहाँ नॉर्मल करती है बस। चलो मैडम, मैडम यहाँ पर अभी देखा गया है कि अभी यहाँ पर एक पेशेंट को एक आशा बाहर ले जा रही थी, वो आपके खिलाफ आरोप लगा रही है कि यहाँ पर मरीज को सही से लिया नहीं जाता है, ना ही सीरियस हालत में उसको आगरा रेफर कर दिया जाता है। किस तरह का क्या मामला है? इस मामले में ज्यादा तो पता नहीं, लेकिन जहाँ तक पता चला है बिल्डिंग का केस था, जो अभी अंदर आया नहीं था, आशा बाहर से बाहर ही उसको ले गई है, पेशेंट अंदर हॉस्पिटल में आया ही नहीं है। पेशेंट नहीं आया? तो मतलब आज बाहर क्या होता है, मतलब आशाएं खड़ी होती हैं कहाँ से, कौन से हॉस्पिटल से होती है? उसकी कार्रवाई शायद की जा रही है, जिनमें से द्वारा सुनने में आया था कि आशा लोग भड़का रही है पेशेंट को, जो बाहर से बाहर ही प्राइवेट में ले जा रही है। आशा भड़काती है खड़े होकर, दलाली वगैरह ये करती है आशा खड़े होकर? अब उसका तो पीएम खुलासा बता सकती है, उसकी छानबीन चल रही है। मैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य सबूर अली, मैं आप सबको यूपी 24 न्यूज के माध्यम से पूरे देशवासियों को, जनपद वासियों को ईद के मुबारक मौके पर सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। और हम लोग इस बार इस ईद के मौके पर पुराने गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे से गले मिलने का काम करें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये देश, गंगा जमुना का ये देश, हम चाहते हैं कि इस बार फिर एक नई खुशियों के साथ में पुराने गिले शिकवे मिटाकर आपस में गले मिलने का काम करें। मैं इसी तरह साथ में आपको एक बार फिर दिल की मुबारकबाद देता हूं, ईद की मुबारकबाद देता हूं। अरिस्टोटेलर व्यापार मंडल जिला संगठन मंत्री फिरोजाबाद, सभी देशवासियों को और नगरवासियों को हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देते हुए ईद और दशहरे की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।